इंडियन कुकिंग सीक्रेट वाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंकुरित चना चाट। देखिए ये बढ़िया अंकुरित हो गए हैं और इन्हें मैंने 12 घंटे के लिए पहले तो मैंने इन्हें पानी में भिगोया, उसके बाद पानी से निकाल कर इन्हें फिर 12 से 14 घंटे के लिए मैंने कॉटन के कपड़े में इन्हें बांध के और ऐसे रख दिया कि इसमें गर्माहट रहे, हवा ना आए। गर्मियों में जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, सर्दियों में टाइम लगता है। तो देखिए कितना बढ़िया और कितना बड़ा बड़ा ये हुआ है, देखिए कितना बड़ा हुआ है। देखिए तो इसकी आज हम अंकुरित चने की बनाएंगे चाट। तो उसके लिए मैंने 2 से 3 ये हरी मिर्ची और 2 प्याज लिए हैं, 1 टमाटर। तो इसकी अब सबसे पहले हम करेंगे कटिंग, उसके बाद आगे का प्रोसेस। तो अब हम ये काटेंगे प्याज, मैंने प्याज रखी है काटने के लिए। तो इसे हमें पहले तो हमें इसे बड़ा बड़ा काटना है, इसे तो 2 हिस्से कर लिए। अब आप इसे बीच से इसे एक बार और काट दें, बस। इसके बाद आप इसे देखिए रफली काट लेंगे ऐसा, पतला पतला और बड़ा बड़ा। देखिए तो ये प्याज मैंने आधा काटा है और आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए लीजिए, ऐसा हमारा ये प्याज हम ऐसे कर देंगे हाथ से तो पूरा ऐसा हो जाएगा पतला पतला। लीजिए ऐसे ही मैं बाकी प्याज इसको भी काट लूंगी। अब काटना है इसका बिल्कुल बारीक, तो ऐसे ही हम पहले पूरे प्याज काट लेंगे। लीजिए अब इसे हम कर देंगे डिवाइड। देखिए और अपनी उंगली बचा के आप ऐसे ही काटें। तो हम पूरा प्याज काट लेंगे, आपको दिखा देते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल पतला हो गया है, ये बारीक प्याज हमने काट लिया है। देखिए हमने 2 तरह का प्याज काटा है, एक पतला लंबा, एक बारीक छोटा प्याज बिल्कुल। पहले से मैंने कढ़ाई रख दी थी और उसमें तेल डाल दिया है। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जीरा। देखिए तेल गर्म हो गया है और जीरा भी तड़क रहा है। अब इसमें हम डालेंगे ये प्याज, हाई फ्लेम पर इस प्याज को हमें भूनना है। इसी तरह हम इसे भून लेंगे, इसे लाइट गोल्डन कलर लाएंगे। देखिए प्याज का भी कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी भून लेंगे इसी के साथ। देखिए जैसा हमें प्याज चाहिए लाइट गोल्डन, तो ये हो गया है। हमने ये ली है अदरक, तो इसको भी हम लास्ट में डाल देंगे, बस। अब हमें कुछ ड्राई मसाला डालना, ज़्यादा मसाला नहीं क्योंकि सेहत से भरपूर बनाना है हमें। तो हल्दी पाउडर हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए। आपको तीखा पसंद हो तो आप तीखी मिर्ची लाल डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम नमक, गैस की फ्लेम एकदम स्लो ताकि हमारे प्याज जले ना। और ये भुना जीरा पाउडर, आप इसमें अमचूर पाउडर या चाट मसाला
डाल सकते हैं। तो मैंने तो ये होममेड चाट मसाला लिया है, तो इसको डाल दिया 1 चम्मच। नमक आप ध्यान से डालें ताकि नमक आपका ज़्यादा ना हो, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। और काला नमक डालेंगे खुशबू के लिए। तो देखिए मैंने इसको भी डाल दिया है। अब हम करते हैं मिक्स। बस 1 मिनट मसाला में ऐसे ही भूनना है ताकि हमारा मसाला कच्चा ना रहे। तो देखिए इसमें से बढ़िया खुशबू आने लगी। अब इसमें मैंने चाट मसाला डाला है, काला नमक। आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम डाल देंगे चना, अंकुरित चना। हमें सेहत से भरपूर सेहत का ध्यान रखते हुए हमें कम मसालों में ये चाट बनानी है, चना चाट। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, पूरा मसाला एक साथ मिक्स हो जाए। देखिए इसमें कोई ज़्यादा मसाला नहीं है। आप और पास से आपको मैं दिखा दूँ। देखिए अब इसे हम ढक देंगे, गैस की फ्लेम को बराबर धीमा रखेंगे। ये सौंफ का पाउडर, कुटी हुई सौंफ का पाउडर जो मैंने आधी चम्मच इसमें डाल दिया है, और ये पुदीना का पाउडर, ड्राई पुदीना। आपके पास ताज़ा पुदीना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। इसमें मसाला कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज आप कमेंट ज़रूर करें। और आप नए हो मेरे चैनल पर, नए आए हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ये चना हमारे 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारे चना अब रेडी हो गए हैं। गैस की फ्लेम को हम कर दिए हैं बंद। बस टमाटर डाल दिए मैंने। गैस की फ्लेम को 2 मिनट में पकाने के बाद हम बंद कर देते हैं, ढक देंगे अभी। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। और हम करते हैं इसे हरी धनिया को मिक्स, और धनिया डाल दिए तो इसे हमें ढकना बहुत ज़रूरी है। आपको याद दिला दूं, शेयर लाइक और शेयर फ्री में होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो भी रिश्तेदार हो, आपके फ्रेंड हो, सभी को आप शेयर करें प्लीज। ये हमारी चाट बनके गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी बढ़िया सी तैयार हो गई है। और ये रही हरी धनिया फ्रेश, ये रही प्याज, ये टमाटर। जो टमाटर मैंने पतला पतला जूलियंस की तरह काटा है, लीजिए ये हरा टमाटर हो गया। मिर्ची और लीजिए आप, आपके लिए तैयार है। देखिए मेरे पास ड्राई पुदीना भी है और फ्रेश पुदीना पत्ते वाला भी है। देखिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट आप ज़रूर करें। जी चटपटी चाट मसालेदार अंकुरित चना, सेहत से भरपूर, हमें यही खाना चाहिए। मैंने ज़्यादा मसाला इसलिए नहीं डाला है क्योंकि जब हमने अंकुरित किए चने अपनी सेहत को देखते हुए, तो इसमें मसाला ज़्यादा हम क्यों डालें। ये सादा बढ़िया सी स्वादिष्ट, बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे, इसे सभी पसंद करेंगे। आप एक बार बनाएं और अपनी फैमिली में जो भी आप खिलाएं, अपने रिश्तेदारों को खिलाएं, सभी आपकी तारीफ करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे
चाट चना मसाला।